नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन 9 और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की खास खबरों पर। प्रशासन और पुलिस जनता से मास्क लगाने को लेकर तमाम कोशिशें कर जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग किसी भी तरह से मास्क लगाने लगे। इसको लेकर मौके पर ही चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन लोग जागरूक होने की जगह उल्टा चालान कटवाने वाले लोगों से ही नियम और कानून पूछ रहे हैं, साथ ही कर्मचारियों से गाली गलौज तक कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा सयाजी गेट पर देखने को मिला। दरअसल नगर निगम की टीम सयाजी गेट पर बिना मास्क लगाकर निकलने वाले लोगों को रोककर चालानी कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान एक युवक भी बिना मास्क पहने निकला और टीम ने उसे रोका और समझाइश देने के साथ चालान बनवाने को कहा, जिस पर युवक टीम के लोगों से विवाद करने के साथ गाली गलौज कर झूमा झटकी पर उतर आया। जिस जगह ये विवाद हो रहा था उस जगह डायल 100 भी तैनात थी। कोई पुलिसकर्मी इस विवाद को देखकर आगे नहीं आया। इसी का फायदा उठाकर युवक बाइक लेकर मौके से भाग गया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने कार्यवाही रोककर अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया। कर्मचारियों ने चालान काटने के दौरान साथ में पुलिस जवान के होने की मांग भी अधिकारियों से की है। नगर निगम ने कर्मचारियों से इस तरह की बदतमीजी करने पर सीधे थाने कोतवाली पहुंची। बाद में युवक भी पहुंचा और राजीनामे के बाद युवक ने चालान करवाया। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट। ये क्या समस्या हुई थी अभी जो चालान कट रहे हैं उसको लेके क्या हुआ आज? जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उन पर कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान एक सज्जन आए, उनको रोका गया तो उनके द्वारा हमारे व्यवहार को किया गया। जैसे मुझे पता लगा मैं भी स्पॉट पर आया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस टाइप से व्यवहार करते हुए और एकदम अपनी गाड़ी उठा के भागते चले गए। इसको भी हमने सूचना दी है, लेकिन अगर इस टाइप से अगर लोग अवेयर नहीं हुए तो इस अभियान चलाने से कोई मतलब नहीं होगा। आप बताइए, अभी 100 डायल पास में भी खड़ी थी तो क्या है? ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उन्हीं के लिए कार्रवाई की जा रही है। अगर जनता द्वारा सहयोग नहीं दिया जाता है तो कोई मतलब नहीं है, या तो हमें फिर सब कुछ उस पर होना पड़ेगा। लेकिन सब चीज़ का विरोध कुछ लोग इस टाइप से करते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या पालन करना चाहिए। उनको रोका गया तो बताने लगे जो करना वो कर लो, और हमारे लोगों का गुरुद्वार करने की कोशिश की। मैं भी तुरंत आया, मैंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन जो उनके साथ और दो एक सज्जन आए तो इसका विरोध करने लगे, आप लोग सख्ती कर रहे हो। नहीं सख्ती करेंगे तो लोग इसका पालन नहीं कर पा रहे ना। सर, कोविड-19 में देखा जाता है कि मान लो कि आपका प्रशासन है, आपकी प्रशासन लगी हुई है, तब कल आपके साथ में मतलब गाली गलौज की भी सूचना मिली है। हाँ, ऐसा लोग मतलब थोड़े नवयुवक नहीं कर रहे हैं, ये उनका असमझ है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बीमारी किस टाइप का है, ये किससे उससे उनको कितनी परेशानी हो सकती है। वो अकेले नहीं, उनके पूरे परिवार को भी इससे परेशानी हो सकती है, उनके अड़ोस पड़ोस को परेशानी हो सकती है। अगर वो अवेयर नहीं हुए तो अपने देवास के लिए भी ठीक नहीं। आप देख लो, केस बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे इतना समझाने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। आईबीएन 9 पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हर खबर का होता है असर, हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। अगर आपको पसंद है हमारी खबर तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके पास है कोई खबर या विज्ञापन तो संपर्क करें इस नंबर पर 9893791000 पर।